हेलो दोस्तों, राजस्थान पुलिस जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए राजस्थान पुलिस के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको क्या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और ऐसे ही डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुच्छाला महावीर किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाली जिले के अंदर स्थित है मुच्छाला महावीर का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है सोनार किला, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है और यहां पर भाटी शासकों ने राज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर जो शहर है, जहाँ पर ख्वाजा मोहिंद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो शहर फेमस है भारत के मक्का के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक संत की मुख्य पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जसनाथ जी जो संप्रदाय है के लोक संत है, उनकी जो मुख्य पीठ है वो बीकानेर के कत्रियासर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा जो शहर है वो सबसे निकट स्थित है कर्क रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसमंद झील है राजस्थान की मीठे पानी की झील। इसके अलावा सांभर, डेडवाना और पंचभद्रा, ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं पाषाण पशु गणना के अनुसार राजस्थान किस पशु धन के मामले में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के मामले में, मतलब बकरी, ऊंट और गधा, इन तीनों जो पशु है उनकी गणना के आधार पर राजस्थान पहला स्थान रखता है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर जो जिला है उसमें सबसे कम है सड़कों का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहाड़ का प्राचीन नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था आहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट है, गंगा सिंह जी को जाना जाता है, जो कि गंग नहर लेके आए थे बीकानेर जिले के लिए, और आज पूरे संपूर्ण जो बीकानेर जिला है उसमें गंग नहर से सिंचाई और पानी की व्यवस्था हो रही है, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर दुर्ग, जो कि नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विलक्षणता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर जो चित्र शैली है उसकी विलक्षणता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय फल है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पापूजी की जो फल है वो सबसे लोकप्रिय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेमंद कहाँ पहना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिर पर पहना जाता है मेमंद नामक गहना। तो राजस्थान पुलिस में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि गहनों से संबंधित आएगा, इसलिए आप जितने भी गहने पहने जाते हैं उनको एक बार देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एक औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलवर जिले के अंदर स्थित है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर जिले को प्रचलित लोकवार्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट है, मूमल है जो कि प्रचलित लोकवार्ता बोले तो प्रेम ख्यान है जैसलमेर जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट है, अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्य सीमा सर्वाधिक है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़ जो जिला है उसकी जो अंतर्राज्य सीमा है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है जो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका जो दैनिक तापांतरण है वो सबसे ज़्यादा रहता है। दैनिक तापांतरण मतलब होता है दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है उसके जो अंतर होता है उसे ही दैनिक तापांतरण कहते हैं, और ये पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चूरू जो जिला है वो सबसे कम न्यूनतम जो वन क्षेत्र है रखता है, और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछे तो उदयपुर जिला हमें करेक्ट करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गंगानगर जिले को कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज का उत्पादन राजस्थान का एकाधिकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी मतलब जस्ता, वेलस्टोनाइट और जास्पर, इन तीनों खनिजों के उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान रखता है पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महमूद खिलजी पर विजय के बाद में बनवाया था विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसमें मुगलों के साथ संयोग व समर्पण की नीति अपनाई? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आमेर जो राज्य था उसने सबसे पहले मुगलों के साथ संयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल रोगों के निदान हेतु किस देवी की मान्यता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिजासनी माता जो लोक देवी है उसकी मान्यता है बाल रोगों के निदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलों को चितेरे के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोवर्धन बाबा को जाना जाता है जो कि भीलों को चितेरे के रूप में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र के मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रतवाई जो नृत्य है वो किया जाता है मेव महिलाओं के द्वारा अलवर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मलिक मोहम्मद जायसी है जिन्होंने लिखा है पद्मावत महाकाव्य, और इस पर एक मूवी भी आई हुई है पद्मावती जो कि इसी काव्य का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोविंद गिरी थे भील आंदोलन के
प्रणेता राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता थे, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयदयाल और मेहराब खां थे 1857 में विप्लवकारियों के नेता कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर को घेरने के दौरान अंग्रेजी सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, चार्ल्स मेटकॉफ की प्रमुख भूमिका रही थी अकबर जो किला है उसे घेरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की राज्य की पहली महिला महंत थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहजोबाई थी पहली महिला मंत मध्यकाल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है बेगू ठिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है डूंगरशाही ओढ़नी। तो दोस्तों आज का ये राजस्थान पुलिस का जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों